कि यहाँ जो क्वालिटी तैयार होती है वो एक तो गैस से नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लोग गैस के साथ गैस्ट्रिक वगैरह ज़्यादा बन जाती है। तो मैंने ये बॉलर लगा रखा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, दूध की क्वालिटी हल्की तो हल्का माल पैदा हो, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी है, दूध अच्छा मिले, अच्छी क्वालिटी तैयार होती है। आप इसलिए मैं थोड़ा इसको खा के चेक भी कर लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। देखिए आपको एक क्षेत्र का जो देवराड़ा गांव से के अंदर लाल बाबा रसगुल्ला प्लांट के अंदर पहुंचा हूं, जिनके ओनर सुभाष जी कादियान जी हैं, और डॉक्टर साहब से बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, यहां पर आपने जो प्लांट लगाया एक गाँव के अंदर, तो यहाँ पर ही आपने प्लांट लगाना क्यों उचित समझा? ऐसा है जी, मेरे पास गायें भैंस थी, उनका ज़्यादा दूध था, और उस दूध को मैं अच्छी मिठाई बनाऊं और गांव वाले आजू बाजू गाँव वाले यहाँ खाएं। जैसे मेरे पास रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पनीर है, देसी घी है और मावा मैं खुद अपने यहाँ तैयार करता हूँ। मेरे पे विश्वास है, और कि मेरा यहाँ के लोग खाएं तो उनको बच्चे खाते हैं तो उनके कोई नुकसान ना हो, किसी तरह कोई केमिकल ना खाएँ, और यहाँ अच्छी मिठाई मैं तैयार करता हूँ। मेरे को क्वालिटी से मतलब है, ना कि मेरे को क्वान्टिटी से। जी, तो आपने ये प्लांट लगाने क्यों उचित समझा? मैंने ये समझा कि मैंने शहर में तो ऐसा है जी कि शहर में तो ऑलरेडी काफ़ी ख़राब माल मिलता है हर मिठाई की दुकान के ऊपर, और गांव के यहाँ अच्छा वातावरण है, यहाँ मेरी जन्मभूमि है, और मैं ताकि जनता भी उजागर हो, जागरूक हो इस चीज़ से, इसलिए कि मेरा गांव है, मेरे गांव के आजू बाजू वाले गाँव हैं, कोई बाहर जाता है माल, इसलिए मैं मेरी खुद की ज़मीन है, खुद का काम है जी, अपने पास खुद का ही दूध है जी, तो अच्छी क्वालिटी पैदा करने के मैं ये लगवाया। कुछ अंदर का भी देखेंगे प्लांट में जाकर के। आइए डॉक्टर साहब, साथ में चलते हैं। तो डॉक्टर साहब हैं सुभाष जी, तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा मैं, तो डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे। बातचीत करने की कोशिश, डॉक्टर साहब हैं, तो आप आगे आइए, आगे आगे चलते रहिए हमारे साथ में। तो डॉक्टर साहब, आपने ये जो स्टेप खड़ा किया बहुत ही अच्छा है, और क्षेत्र के लोग भी, उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि एक लोकल के अंदर एक सुविधा मिल जाना बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, है ना। अब ऐसे तो, एक बात ये भी है इसमें जी, क्योंकि जहाँ जो क्वालिटी तैयार होती है वो एक तो गैस से नहीं होती, क्योंकि काफ़ी लोग गैस के साथ गैस्ट्रिक वगैरह ज़्यादा बन जाती है। कि मैंने ये बॉलर लगा रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे पास जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ये जो बात है वो भी एक सराहनीय बात रहेगी। ये साइड में जो ये रहेगा, हाँ, ये मैंने बॉलर लगा रखा है जी जी, और ये बॉलर जो इसमें लकड़ी पड़ती है उसकी जो बाँफ दोबारा जी स्टीम दोबारा जो है ना, यहाँ मिठाइयाँ तैयार होती हैं, तो गैस नहीं लगती, कोयला वगैरह धुआं वही नहीं लगता, यानी क्वालिटी जो बने बिल्कुल साफ़ और सुथरी बढ़िया बने, इसलिए तो बिल्कुल क्वालिटी का भी रसगुल्ले। तो यहाँ के जो आपके जो रसगुल्ले हैं वो फेमस होने का क्या कारण है डॉक्टर साहब? जी, यहाँ के लोग खाते हैं, उनको अच्छा ट्रस्ट आता है, वो अपने आप इस अच्छी मिठाई खाएँ तो ऑटोमेटिक माउथ पब्लिसिटी करेंगे, इस वजह से अपने ऑटोमेटिक फेमस हो गए। बिल्कुल, फेमस होने का कारण है। थोड़ा कैमरामैन पर्सन को कहना चाहूँगा, दिखाए इधर थोड़ा सा नज़दीक आ करके। तो रसगुल्ला है जो यहाँ पर जो काफ़ी फेमस हुआ है, तो इस फेमस होने का कारण है कि एक तो डॉक्टर साहब के घर का दूध है, जो गायें है अपना और भैंस है, तो उस वजह से ये क्वालिटी रहेगी दूध की, और उस वजह से अच्छा दूध ही अच्छी क्वालिटी का अच्छा माल बनेगा जी। बिल्कुल, दूध की क्वालिटी हल्की तो हल्का माल पैदा होगा, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी है, दूध अच्छा मिले, अच्छी क्वालिटी तैयार होगी। तो ये आप इसलिए मैं थोड़ा इसको खा के चेक भी कर लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। तो काफ़ी लोग देख पा रहे हैं आपको, क्या कहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहता हूं जी कि आप भी यहां से मिठाई खरीदें जी, और ये आप किस तरह केमिकल ना खाएं जी, जो अपने गाय भैंस से बने दूध के रसगुल्ले हमारे से ले जाएं और खाएं, ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छा, और यहाँ का एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मेरे पास यहाँ से क्रीम का जो घी निकलता है वो लमसम मैं 500 रुपये के जी बेच रहा हूँ, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का घी। तो जैसे ब्याह शादी हो, कोई भंडारा वगैरह हो, या कोई गांव के अंदर वैसे खाने चाहता हो, तो जैसे कैसे भी खाओ उसको खा सकता है, बिल्कुल फेयर क्वालिटी। तो जैसे इस क्षेत्र की जो तस्वीर दिखाई मैंने देवराड़ा से, बाबा लाल बाबा रसगुल्ला प्लांट देवराड़ा, तो आप तस्वीर देख पा रहे थे। जय हरिनाथ टीवी के लिए करमवीर सारसर की रिपोर्ट। धन्यवाद।